ये कि बड़ा बनाने के लिए दोस्तों काफी कुरकुरे है, खस्ते दोस्तों है, बहुत काफी टेस्टी दोस्तों, बिना चटनी के, बिना दोस्तों कोई झंझट के इसको आप खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बनकर हमारा तैयार है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके जाइएगा आप लोग। दोस्तों आज शंदे की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज मेरे किचन में जैसे देखते हैं घर में थोड़ी थोड़ी चीजें रहता है, बची रहता है दोस्तों, तो हम सोचते हैं क्या होगा दोस्तों, तो यही समझ नहीं आता है कि थोड़ी सा चीजें और थोड़ा सा रहता तो बन जाता कोई रेसिपी। तो चलिए दोस्तों आज अपने किचन में मेरे घर में थोड़ी सा जैसे देख रहे हैं छोटी वाली कटोरी से एक कटोरी उड़दी दाल जैसे देखती हैं, धुईया इसको बोला जाता है, बचा था तो हमने इसको दो घंटे पहले भिगो दिए हैं। भिगोने के बाद से इसको दो तीन पानी अच्छे से साफ करके धो लिए हैं। तो इसको आज चल रहे हैं उड़दी के बड़ा बनाने के लिए धुईया का। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बड़ा आप चाय के साथ में हो, कोई भी मेहमान हमारे घर में आ गए हैं तो दोस्तों इसको आप नहीं जैसे भिगोए हैं तो इसको डायरेक्ट आप क्या करिए, इसको साफ करके कपड़े से कोई भिगो के कपड़ा से पोंछ के साफ कर लीजिए, आप मिक्सर में डाल के तुरंत आप पीस सकते हैं, इसको पाउडर बना सकते हैं इसका। तो उसके बाद देखिए हम बनाने के लिए इसको क्या क्या लिया रेसिपी में आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिए चाट मसाला, यहाँ पे आधे चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च गोल वाली जो होता है छोटे साइज उसको हमने पीस लिए दरबरे, हरी मिर्ची ली है तीन पीस, एक प्याज बड़े साइज में हमने छोटे टुकड़े में काट लिए इस तरह से, उसके बाद धनिया पत्ती है, उसके बाद हल्दी है आधे चम्मच, जीरा एक चम्मच छोटे चम्मच से, नमक एक चम्मच लिए है स्वाद के अनुसार, नमक डालिए तीन चम्मच। यहाँ पे हमने चावल के आटे लिए हैं, जाकि ये रेसिपी कुरकुरे हो और काफ़ी खाने में बहुत काफ़ी टेस्ट लगता है चावल के आटे डालने से। उसके बाद उबला हुआ आलू यहाँ पे दो पीस हमने ले लिए हैं, आलू को हमने बिल्कुल इस तरह से मैश कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उड़दी को अच्छे से पीसेंगे, चिलबट्टे को हम अच्छे से सफ़े से धो लेंगे पहले। धोइयों को सिल पर लेंगे इस तरह से, इसको बारे हुए बिल्कुल पीसेंगे हम। देख रहे हैं इसको अच्छे से फेटेंगे पहले हाथ से। धोइया को काफी अच्छे से हम फेटेंगे, इसको कम से कम इसको तीन चार मिनट आपको फेटना है। अब आलू हम डाल देंगे इसमें, आलू डालने के बाद से डालेंगे चावल के आटे, एक चम्मच चावल के आटे हम बचा लिए हैं, जीरा पाउडर डालेंगे, यहीं पर डालेंगे कटी हुई खूब सारी धनिया, इसके बाद प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची और उसके बाद डालेंगे काली मिर्च, जीरा डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला, इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको देखिए बनाकर हम तैयार कर लिए हैं, इसको नमक को एक बार चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद नमक आप इसमें डालिएगा। कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई को गर्म करेंगे, यहाँ पे इसका हम ढेर सारे गोले बनाकर तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कढ़ाई में तेल, थोड़ा से गोल करेंगे, गोल शेप देकर हम इसको, अब इसको देखिए इस तरह से कर दिया है। अब इसके बीच में हम इस तरह से कर देंगे, बड़ा का यही नेचर आसान रहता है उड़दी दाल के, बड़ा कैसे चपड़े बनाते हैं और जब तक बीच में ये नहीं बने इसी तरह से तीन चार हम बना लेंगे पहले। हाथ पे हल्के से पानी लगा लीजिए, उसके बाद इस तरह से गोले आप करते जाइए, अब बनाकर आप रख लीजिए, जाकि बनाने में आपको बार बार हाथ नहीं धोना ना पड़े आपको। तेल को चेक कर ले रहे हैं, तेल काफी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक बारे करके डालेंगे हम।
गैस को बिल्कुल मीडियम रखना है आपको। गैस को मीडियम नहीं रखेंगे तो ऊपर से आपका पक जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएगा। अब इसको हल्का हल्का हम पलट लेंगे इस तरह से, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 12 टिक्के काफी अच्छे फुले फुले बन गया है। अब इसके बाद दूसरा भी इस तरह से हम बना लेंगे डालकर। अब बिल्कुल मीडियम आंच पे हम पका रहे हैं इसको, और बहुत काफी करारे बन रहा है। जहां जहां जगह खाली था वहां पे हम डाल दिए हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा बन के उड़ती वाला धनिया के तैयार हो चुका है, बहुत काफी कुरकुरे। दोस्तों मेहमान लोग को भी इस तरह से आप दे सकते हैं। इसको चटनी के साथ में, आप मूंगफली के चटनी के साथ में, नारियल की चटनी के साथ में खा सकते हैं। बिना चटनी के भी इसको खाइएगा, बहुत काफी टेस्टी है बना है ये। आई यहाँ पर देखिए प्लेट में निकाल दिए हैं, तो इसको चल रहे हैं देने के लिए, खाने के लिए। आई यहाँ पर देखिए इस तरह से बनाएंगे भी, गर्मा गर्म सभी लोग को इस तरह से देते रहेंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।